तो बात कुछ ऐसी कि मैं रेडी हो गया और अभी मैं जा रहा हूँ हार्ड बॉल की प्रैक्टिस करने, और सबसे पहले जाऊँगा ग्राउंड पे, और अगर प्रैक्टिस हुई तो ठीक है प्रैक्टिस करूँगा, और अगर प्रैक्टिस नहीं हुई तो फिर उसके बाद जाऊँगा जिम। तो फिलहाल यही है, मिलते हैं फिर बाद में। हाँ तो भाई बात कुछ ऐसी है कि काफ़ी अरसे बाद हमारी मुलाकात हो रही है, और आता हूँ एक ब्लॉग बनाता हूँ फिर महीना गायब हो जाता हूँ, और साल 2023 में मैंने इतने ब्लॉग्स भी नहीं बनाए, और तो ये एक मेरे लिए एक बहुत बुरी चीज़ है, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे अपने यूट्यूब चैनल पर कंसिस्टेंसी लानी थी लेकिन नहीं ला पाया, खैर वो अलग बात है। और दूसरी बात यह कि यार कल वाला मैच पाकिस्तान हार गया और बहुत बुरी तरह से आ रहा है, लेकिन खैर कुछ गलतियां थी हमारे बैट्समैनों की, क्योंकि उनकी अच्छी बॉलिंग की वजह से हम आउट नहीं होते, हमारे अपने बैट्समैन की गलतियों की वजह से हम आउट हुए थे। जैसे इफ्तिकार का ले लो, बाबर आजम का देख लो, रिजवान का देख लो, अब्दुल्ला शफीक, इमाम, इफ्तिकार, सब जितने भी आउट हुए हैं सब अपनी गलतियों की वजह से, उनकी कोई अच्छी खासी बॉलिंग नहीं थी और एक बैटिंग पिच थी, फ्लैट पिच थी, तो यहाँ पर ना बॉल स्विंग हो रही थी ना स्पिन हो रही थी, तो खैर ये होती रहती है, लेकिन ये गलतियाँ थी कुछ हमारे बैट्समैन की, तो उस वजह से हम हार गए। दूसरी बात ये कि भाई अब अक्टूबर का महीना चल रहा है और इस साल मैंने कुछ ही ब्लॉग्स बनाए हैं, वो भी बहुत कम, और फिर मैंने ये सोचा है कि अब मैं एक इनिशिएटिव ले रहा हूँ, वो ये कि मैं एक पीसी ले रहा हूँ, गेमिंग पीसी टाइप होता है, तो मैं अब अपने जो ब्लॉग्स होंगे फ्यूचर के, अभी नहीं कुछ अर्से बाद, शायद नेक्स्ट मंथ के बाद मेरे जो व्लॉग्स होंगे पीसी पे एडिट करने की कोशिश करूंगा, और उसके लिए मैं एडोब प्रीमियर प्रो और फाइनल कट प्रो इस्तेमाल करूंगा, लेकिन उससे पहले सीखना पड़ता है तो वो मैं सीखूंगा, उसकी क्लासेस लूंगा, तब तक जितने भी व्लॉग्स होंगे जितने भी मैं बनाऊंगा तो वो मैं अपने मोबाइल पर एडिट करूंगा, लेकिन उसके साथ साथ पीसी पे एडिट करने की कोशिश भी करूंगा ताकि मैं सीख सकूं वक्त के साथ। तो ये एक मेरे लिए थोड़ी सी चेंजिंग होगी, क्योंकि मैंने इतने अरसे 3 साल तक मैंने सिर्फ मोबाइल पर एडिट किया, कभी पीसी पे एडिट नहीं किया, और मुझे इतना कोई खास एक्सपीरियंस भी नहीं है पीसी पे एडिट करने का, तो मेरे लिए एक नई चीज़ होगी, तो शायद आपको मेरी कुछ अरसे बाद ब्लॉग में एडिटिंग थोड़ी सी नॉर्मल लगे, लेकिन वो मेरे लिए एक चेंजिंग होगी, तो आपको शायद पसंद है, और फिर उसके बाद फिर देखते हैं क्या बात होती है। और अभी मैं कुछ देर के बाद जिम जाऊँगा और उसके बाद शायद मैं प्रैक्टिस करने जाऊँ, लेकिन अगर प्रैक्टिस हुई आज तो जिम नहीं जाऊँगा, लेकिन अगर आज प्रैक्टिस नहीं हुई तो जिम जाऊँगा, तो इन दोनों चीज़ों में से एक चीज़ करनी है, और फिर उसके बाद आज का दिन भी मेरा स्टार्ट यहीं से होगा, तो फिर मिलते हैं बाद में। तो बात कुछ ऐसी कि मैं रेडी हो गया और अभी मैं जा रहा हूँ हार्ड बॉल की प्रैक्टिस करने, और सबसे पहले जाऊँगा ग्राउंड पे, और अगर प्रैक्टिस हुई तो ठीक है प्रैक्टिस करूँगा, और अगर प्रैक्टिस नहीं हुई तो फिर उसके बाद जाऊँगा जिम। तो फिलहाल यही है, मिलते हैं फिर बाद में। हाँ तो भाई बात कुछ ऐसी क्या प्रैक्टिस कर ली और अभी मैं जा रहा हूँ वापस घर अपने, क्योंकि अब जिम तो नहीं होगा, बस अब घर जाऊँगा, जिम तो नहीं करूँगा आज क्योंकि प्रैक्टिस होगी, हाँ अगर प्रैक्टिस ना होती तो फिर जिम जाता, तो अभी जाऊँगा घर फिर दोस्तों से भी मिलने, तो फिर फिलहाल तो यही है, फिर देखते हैं बाद में। तो भाई बात कुछ ऐसी है कि एक महीने के बाद जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना तो आपका जिस्म बहुत दर्द करता है, और दूसरी बात ये कि जब जिस्म एक्टिव ना हो, आई मीन इतने अरसे बाद जब बंदा खेले ना क्रिकेट तो दर्द करता है, अभी तो वैसे कुछ नहीं हो रहा लेकिन जब सो के उठूँगा ना तो पता चलेगा कि जिस्म कितना खुला है, क्योंकि सोने के बाद जब उठूँगा ना तब कल पता चलेगा कितना दर्द होता है। तो फ्रेश होने के बाद फिर खाना खाऊँगा और उसके बाद फिर मैं जाऊँगा बाहर दोस्तों से मिलने, तो फिर बाद में मिलते हैं। हाँ तो भाई बात कुछ ऐसी है कि मैं कुछ देर पहले वापस आया था और मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी क्योंकि थोड़ी चार्ज थी मोबाइल की और मैंने पबजी वगैरह खेली थी, तो इस वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, और डहरकी में काफ़ी ठंड हो गई है और हवाएं भी चल रही हैं, तो एक अच्छा मौसम हो गया है, क्योंकि पहले इस रूम में बैठता था गर्मियों में तो पसीना निकलता था, लेकिन अब मौसम काफ़ी अच्छा है तो बंदा बैठ सकता है। और दूसरी बात ये कि इस साल 2023 में मैं कहीं जा नहीं पाया घूमने, क्योंकि हर साल मैं जाता हूँ 2019 से 18 से लेकर मैं हर साल जाता हूँ कहीं ना कहीं, सवात इस कर दूँ या कहीं ना कहीं, लेकिन इस साल नहीं जा पाया, कुछ प्रॉब्लम थे दोस्तों के तो इस वजह से नहीं जा पाए थे, लेकिन कह तो रहे हैं कि अगले महीने शायद क्वेटा जाएं हफ्ते 10 दिनों के लिए,
देखते क्या होता है। और बस अच्छी चिप्स है। और ये कि भूख लग रही थी तो इस वजह से चिप्स खा रहा हूँ, क्योंकि तो खाना खाया था। और तो ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जो मैं हमेशा कह रहा हूँ, मिलते हैं फिर। और हाँ, वो चिप्स खाने की कुछ ज़्यादा ही क्लियर आवाज़ आ रही थी, तो माजरत उसके लिए, क्योंकि वो माइक लगा हुआ है ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर आवाज़ आता है। माजरत।